छठ पर्व पर माताएं बहने जहरीले पानी में यमुना में छठ मनाने के लिए मजबूर हैं। केजरीवाल साहब राजनीति में अपने घमंड में गरूर है, कूड़े के पहाड़ पर चढ़े हुए हैं अब ध्यान भटाने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कूड़े का बेहतर निस्तारण नहीं होना चाहिए, मगर केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? वो ऐसा कैसे बता सकते हैं कि केवल दिल्ली में कूड़ा है? कूड़ा जब तक मानवता रहेगी तब तक रहेगा केजरीवाल साहब। विश्व के हर देश में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है। न्यूटन कंट्री लैंडफिल साइट इंडियाना में 400 एकड़ में है और कहा जाता है अगले 20 साल तक यहां कूड़ा गिरता रहेगा। प्यूटे हिल्स कैलिफोर्निया में 700 एकड़ में फैला है, मगर वहां का प्रशासन केजरीवाल की तरह नकारा नहीं है, इससे निकलने वाली मीथेन से बिजली बनाकर जनता को देता है, वहीं के आसपास की जनता को देता है। एपेक्स लैंडफिल साइट फ्रेश किल्स न्यूयॉर्क, ओलोसोसन लैंडफिल साइट अफ्रीका, और तो और पंजाब में लुधियाना की जमालपुर डंपिंग साइट पर केजरीवाल जी 1100 टन कूड़ा प्रतिदिन गिरता है, और भक्ता वाला डंपिंग साइट अमृतसर जहां हम सबके श्रद्धा का केंद्र गोल्डन टेंपल है, वहां पर एनजीटी ने अभी 2080 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है केजरीवाल जी, 15 लाख मीट्रिक टन वहां भी है। अगर प्रयास किया जाए तो ये कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। केजरीवाल जी नगर निगम ने प्रयास किया है एनएचएआई के साथ मिलकर इस कूड़े को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने का, मगर आपने तो वही काम किया जो अमित शाह जी ने बताया संसद में, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। 42,000 करोड़ रुपए नगर निगमों के रोक लिए आपने, जिससे हम मैकेनिकल स्वीपर ला सकते थे, सेग्रेगेशन एट सोर्स कर सकते थे, कूड़े को कम करने का हम प्रयास कर सकते थे, मगर केजरीवाल जी आपको राजनीति करनी है वोट के लिए, क्योंकि पिछली बार आपके तमाम कोशिशों के बाद फ्री हाउस टैक्स के बावजूद आप चुनाव नगर निगम का हार गए। 8 साल आपके विधायकों ने कुछ किया नहीं, अब जनता से वोट कैसे लेंगे? तो केजरीवाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस की घटिया राजनीति जारी है।